सरकार के खिलाफ समाजवादी का धरना प्रदर्शन, समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा धारा 144 की उड़ाई धज्जियां, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के बेरोजगार, शिक्षा, किसानों के लिए और छात्रों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं और कहा गया कि भाजपा सरकार ने सभी को बेरोजगार बना दिया है। लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, कहीं से कोई मदद नहीं की जा रही है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली भी निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जबकि शहर में धारा 144 लागू है, फिर भी समाजवादी पार्टी के द्वारा रैली निकाली गई और पुलिस भी तमाशाबीन बनी, खड़ी देखती रही। बिना डिस्टेंस से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो भीड़ की तस्वीर देख रहे हैं वह मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग में धज्जियां उड़ाने के साथ कोरोना को दावत देते हुए नजर आए। तो वहीं भारी संख्या में जिलाधिकारी ऑफिस में पहुंचे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस उन्हें देखकर भी सिर्फ चुप रही, तमाशाबीन बनी रही। इतनी बड़ी भीड़ का बिना मास्क से होना कोरोना को दावत देता है। तो वहीं जब एसपी सिटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना अनुमति रैली निकाली गई और धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया है, जिसके संबंध में कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है रैली जो आपने निकाली, कश्मीर वाली? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चारों यूथ फ्रंटलों के प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूरे जनपद मुरादाबाद के महानगर जिला फ्रंटल के चारों अध्यक्षों के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम किया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक तो बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की बदहाली के खिलाफ ये आज नौजवान साथी हमारे सड़कों पर उतरे हैं। समाजवादी पार्टी इस भाजपा सरकार ने जो रोजगार के खत्म कर दिए हैं, निजीकरण कर रहे हैं, हर विभाग का निजीकरण कर रहे हैं, संविदा पे कर्मचारी रख रहे हैं 5 साल के लिए, तो उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी, नौजवान कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरा है। और इसी क्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम जी पटेल जी और MLC उदयवीर सिंह जी, सुनील साजन जी उदयपुर में, सुनील वो CN सिंह जी पूर्व सांसद हैं हमारे, वो खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए हैं, उन्हीं के घर पर संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। तो ऐसी तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी की सरकार की समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, MLC हैं, उनको भी जाने नहीं दे रहे हैं सड़कों पे, पुलिस अपने रोक रही है जगह जगह, किसी के घर पे संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकते। ऐसी इमरजेंसी सी घोषित कर दी है भाजपा सरकार ने। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरी है और समाजवादी पार्टी इन भाजपा की सरकार से डरने वाली नहीं है। ये पुलिस के बल पर सरकार नहीं चलने वाली है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका पूर्ण जोर विरोध करेगा और समाजवादी पार्टी जनहित में जो भी कार्य होंगे, जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, समाजवादी पार्टी इस भाजपा की सरकार का विरोध करेगी। आज का हमारे मुद्दा है बेरोजगारी का और ये संविदा पे जो कर रहे हैं, निजीकरण जो करती जा रही है भाजपा की सरकार, उसके खिलाफ मुद्दा पे आज हमारे नौजवान BEd वाले जो है उसके खिलाफ है, सब पूरा इसी के खिलाफ। क्राइम पूरे उत्तर प्रदेश के हालात देख रहे हो, कितनी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तो इसके सबके खिलाफ समाजवादी पार्टी एक ऐसा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में मूवमेंट चला रही है और समाजवादी पार्टी हर परिवार के साथ खड़ी है जिसके साथ घटना हो रही है। समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त करती है सभी के साथ। ASP कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, उसके बाद बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया है। COVID-19 के मद्देनजर जिले में धारा 144 होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। समाजवादी पार्टी इसकी कोई परमिशन नहीं थी, ये सुबह इन्होंने अचानक ये जो रैली निकाली है और इसके संबंध में इन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है जो कि कोरोना काल में यहाँ पे लगाई गई है, उसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जो कि इन्होंने उल्लंघन किए 144 के और मास्क न लगाने के, उस संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ,
टोटल कितने जनों के ऊपर मुकदमा है? ये तो अभी देखा जाएगा, इसमें वीडियोग्राफी कराई गई है और उसमें जितने भी जो भी सामने लोग आएंगे जिनकी पहचान की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।